सभा के उपचुनाव के प्रत्याशी श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, देवपाटन मंदिर के महंत श्री योगी मिथिलेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित इस गैसड़ी विधानसभा और बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में स्थित इस पूरे जनपद के आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहन और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है इन सबको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होना है। बहन और भाइयों, जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है, जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको और ये लोग ठहरे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये जो ठहरे राम विरोधी, इन लोगों को ये राम के तो विरोधी हैं लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं, गरीब का विरोध कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर सेंधमारी करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा जो षड्यंत्र होने जा रहा है उसके प्रति आगाह करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। आज जो परिवर्तन हम सबको नजर आ रहा है ये मोदी जी के परिश्रम का, उनके विजन का, उनके मिशन का परिणाम है। दुनिया के अंदर हम सब भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत के अंदर आज आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में उनकी गतिविधियों की अनैतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कोई प्रश्रय नहीं दे सकता और जो भी प्रश्रय देगा तो उसे मालूम है कि उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। याद करिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब सरकारें थी, सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल आते आते आतंकी वारदात की खबरें आती हुई हम सबको दिखाई देती थी। बहनों और भाइयों, ये जो सरकारों की उस समय की सरकारों का नकारापन था
उसका भुक्तभोगी जनता जनार्दन को बनना पड़ता था। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा गया, अब तो मैं कहता हूं पटाखा भी जोर से